प्रश्नावली 13.1 के पार्ट वन वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों को हल किया है। आज हम इसी प्रश्नावली के पार्ट टू वीडियो में प्रश्न संख्या 12 से लेकर प्रश्न संख्या 19 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 12, रेखीय युग्म में से एक कोण अधिक कोण है तो दूसरा कोण किस प्रकार का होगा? निश्चित रूप से ये दूसरा कोण न्यून कोण होगा, न्यून कोण। आइए इसे देख भी लेते हैं। देखिए, ये रेखीय युग्म का है और एक अधिक कोण है। ये अगर अधिक कोण है तो दूसरा निश्चित रूप से ये न्यून कोण होगा। ये देखिए, ये क्या होगा, ये न्यून कोण होगा। चलिए, अब प्रश्न संख्या 13, क्या दो कोण संपूरक होंगे यदि उनमें से दोनों अधिक कोण हो, सम कोण हो, न्यून कोण हो? तो यहां फिर से हम दोहराएंगे, संपूरक कोण किसे कहते हैं? वैसे कोण, ऐसे कोणों का युग्म जिनका योग 180 डिग्री हो। तो ये अधिक कोण अगर होते, दो अधिक कोण होंगे तो वो तो 90 से ज्यादा होंगे दोनों, और उन्हें जोड़ेंगे तो वो 180 से ज्यादा हो गए। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, एक अधिक कोण है हमारा 100 डिग्री और दूसरा अधिक कोण 110 डिग्री। 90 से ज्यादा तो ये 210 डिग्री हो जा रहे हैं, यानी 180 से ज्यादा हो जा रहा है, तो ये अधिक कोण नहीं हो सकता है ना, ये सही नहीं है। समकोण हो, यानी एक कोण 90 डिग्री और दूसरा कोण भी 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, तो ये सही है, दोनों समकोण होंगे। न्यून कोण हो, तो न्यून कोण तो 90 से कम होगा, मान लीजिए एक 80 होगा, एक 70 होगा, तो 150 हो जाता है, तो इस तरह से ये न्यून कोण नहीं हो सकता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, दोनों समकोण हो। प्रश्न संख्या 14, क्या दो न्यून कोण कभी एक रेखीय युग्म बना सकते हैं? आइए देखते हैं। चलिए, ये हमारा एक बना है, अभी एक रेखा हमने लिया, तो न्यून कोण की बात आ रही है, दो न्यून कोण। तो देखिए, एक न्यून कोण हमने ये ले लिया और एक और न्यून कोण ये लिया, तो ये तो रेखीय युग्म नहीं बन रहा है ना, ये जो है हमारा ऐसे हुआ, ये तो रेखीय युग्म नहीं रहा है। रेखीय युग्म मतलब ऐसा दोनों कोणों का योग करके हमारा ये रेखीय युग्म बन जाए, तो निश्चित रूप से दो अगर न्यून कोण ही होंगे तो ये रेखीय युग्म नहीं होगा। तो यहां आंसर हो जाएगा हमारा नहीं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है? कारण लिखिए। तो हम ये पहला वाला प्रश्न देख रहे हैं, तो यहां कोण 1 ये है, कोण 2 ये है, और दोनों का जो उभयनिष्ठ भुजा है वो है OP, और जो अन्य दो भुजाएं हैं वो इधर बाईं ओर है, इधर ये दाईं ओर है। तो आसन्न कोण की परिभाषा से हम कहेंगे हां, ये आसन्न कोण है। अब प्रश्न संख्या ये दूसरा देखते हैं, तो यहां ये है कोण 1 और ये है कोण 2, उभयनिष्ठ भुजा इसमें कौन सी है? OC है, लेकिन ये जो उभयनिष्ठ भुजा OC है, अन्य जो उनके जो भुजाएं हैं उनके मध्य में नहीं है,
यह नहीं, यह आसन्न कोण नहीं है। जो हमने कहा कारण वो आप स्वयं से लिखें। प्रश्न संख्या 16, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग 90 डिग्री होगा, ये तो परिभाषा से ही हम जानते हैं। यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग 180 डिग्री है, ये भी हम परिभाषा से जानते हैं। रैखिक युग्म युग्म बनाने वाले दो कोण, ये देखिए तो हमने रैखिक युग्म बनाया, एक कोण ये है एक कोण ये है, तो ये कैसे कोण है? आसन्न कोण है, आसन्न होते हैं, है ना। यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो वे, ये देखिए इसी प्रश्न चित्र में देखिए, दो आसन्न कोण है और ये संपूरक है ना, दोनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है, अर्थात तो ये क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा, चलिए एक एक है, एक हमारा ये एक रेखा हो गया और एक ये दूसरी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये और ये सम्मुख कोण होगा, उसी तरह से ये और ये कोण, ये भी सम्मुख कोण होगा, तो इनमें क्या रिलेशन होता है? ये सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है, बराबर। अब छठा नंबर है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का युग्म न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का युग्म बराबर होगा, यह अभी हमने देखा था, बराबर। प्रश्न संख्या 17, किसी कोण के लंब पूरक कोण तथा सम पूरक कोण का अनुपात 2:5 है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। यहां संकेत भी दिया हुआ है, आइए इसे हल करते हैं। मान लिया कि अभीष्ट कोण जो हमें प्राप्त करना है बराबर एक्स, तो इसका लंब पूरक कोण क्या होगा? लंब पूरक कोण यानी पूरक कोण, लंब पूरक का ही दूसरा नाम है पूरक कोण, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स, और संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों का अनुपात है 2:5, अर्थात 90 माइनस एक्स बटा 180 माइनस एक्स इक्वल टू 2/5। अब इसे हल करेंगे तो ये होगा 90 माइनस एक्स इंटू 5 और इधर 2 × 180 माइनस एक्स, तो ये गुना हो जाएगा 5 से 90, 450 घटाओ ये 5x और इधर हो जाएगा 360 घटाओ 2x। अब यदि हम दोनों ओर 2x जोड़ते हैं तो देखिए क्या होता है, ये इधर बाईं तरफ हमने 2x जोड़ दिया और इधर दाहिनी तरफ भी 2x जोड़ दिया, तो ये -2x और +2x कैंसिल हो गया,
तो इधर हमारा हो गया बाई तरफ 450 घटाओ 3x बराबर 360। अब दोनों ओर हम 450 घटा दे रहे हैं, बाई ओर दाई ओर दोनों ओर। तो ये हमने घटाया 450 बाई ओर और ये हमने घटाया दाहिनी ओर। तो ये प्लस 450 माइनस 450 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस 3x इक्वल टू माइनस 90। और दोनों ओर अब हम माइनस 3 से भाग दे दे रहे हैं, ये माइनस 3 से हमने भाग दिया इधर और ये इधर भी माइनस 3 से। तो हमारा x इक्वल टू आ गया 30 30 डिग्री। इसलिए अभीष्ट कोण बराबर 30 डिग्री। प्रश्न संख्या 18। दो लंब पूरक कोणों का अंतर 15 डिग्री है, कोण की माप ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि लंब पूरक कोणों का युग्म का योग 90 डिग्री होता है, इसलिए हम मान लेते हैं, मान लिया कि लंब पूरक कोणों के युग्म का एक कोण बराबर x या x डिग्री, तो इसका दूसरा कोण क्या होगा? 90 डिग्री माइनस एक्स। और प्रश्न से ये कह रहा है कि दोनों कोणों का अंतर 15 डिग्री है, तो इसका अर्थ हो गया 90 डिग्री माइनस एक्स और ये माइनस एक्स बराबर 15 डिग्री। इनका अंतर हमने लिया, या 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू 15 डिग्री, या 90 डिग्री माइनस 2x इक्वल टू ये 15 डिग्री। अब हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण में दोनों ओर 90 डिग्री घटा दे रहे हैं, तो ये 90 डिग्री माइनस 2x माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री माइनस 90 डिग्री। या देखिए ये प्लस 90 और माइनस 90 ये कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया माइनस 2x इक्वल टू माइनस 75 डिग्री। अब इस समीकरण के दोनों ओर हम माइनस 2 से भाग दे दे रहे हैं, तो ये माइनस 2x बाई माइनस 2 इक्वल टू माइनस 75 डिग्री 75 डिग्री बाई माइनस 2, तो ये हमारा आ जा रहा है x बराबर 37.5 डिग्री। इसलिए जो एक कोण था या पहला कोण था युग्म में से, जो अभीष्ट पहला कोण है, ये हो गया हमारा 37.5 डिग्री। दूसरा कोण ये हो जाएगा 90.0 डिग्री माइनस 37.5 डिग्री, और इसे आप घटाएंगे तो ये आएगा 52.5 डिग्री। तो इस तरह से हमारा दोनों कोण आ गया, पहला कोण 37.5 डिग्री और दूसरा 52.5 डिग्री। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित चित्रों के अनुसार x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला नंबर हम देख रहे हैं, 19 का पहला नंबर, तो ये एक रैखिक युग्म है 110 डिग्री और ये x,
तो यहां हम क्या करेंगे कि 110 डिग्री जोड़ एक्स कितना आना चाहिए हमारा, 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म है। तो ये हम साफ देख रहे हैं कि 110 डिग्री, और ये दोनों ओर से हम 110 डिग्री घटा देते हैं, तो ये 180 माइनस 110, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया 70 डिग्री। तो ये हमारा एक्स का मान है 70 डिग्री। ठीक इसी तरह से हम यहां वाई का मान निकाल सकते हैं। ये यहां है 60 डिग्री, तो ये हमारे यहां कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को 120 और 60 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ रहा है। ये हो गया। तो अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 60 है, ये 60 है, तो फिर ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। चलिए अब ये पूर्ण कोण है, तो यहां इन सारे कोणों को आप जोड़िए, 30, 90, 120 और ये 80। आइए यहां पर हल करते हैं इसे। इसका ये तीसरा, तो ये हो जा रहा है, देखिए 30 डिग्री जोड़ 90 डिग्री जोड़ 120 डिग्री और जोड़ 80 डिग्री जोड़ एक्स बराबर आना चाहिए हमारा 360 डिग्री। पूर्ण कोण यही होता है। तो आप इसे जोड़िए, 30, 90, 120, 120 और 120, 200, 40 और 80, ये 320 डिग्री प्लस एक्स इसका टू 360 डिग्री, या एक्स इसका टू 360 डिग्री माइनस 320 डिग्री, तो ये आ गया 40 डिग्री। तो यहां ये एक्स का मान है 40 डिग्री। अब इसका प्रश्न संख्या 4, तो ये दिया हुआ है रैखिक युग्म है, एक कोण है 3x और दूसरा है 6x, तो ये होना चाहिए 3x प्लस 6x इक्वल टू 180 डिग्री, या 3x और 6x हो गया 9x इक्वल टू 180। अब दोनों ओर हम 9 से भाग देते हैं, तो 9x बाई 9 और 180 डिग्री बाई 9, तो ये हमारा आ गया x इक्वल टू 20 डिग्री। इसलिए जो पहला कोण है, पहला कोण बराबर 3x, ये हो जाएगा 3 इंटू 20 इक्वल टू 60 डिग्री। अब जो दूसरा कोण है, ये होगा 6x था, 6x था यानी 6 इंटू 20 120 डिग्री। तो ये हमारा है, ये हुआ 60 डिग्री और ये हो गया 120 डिग्री।